कुमार ने कहा था कि जो लोग गांधी जी की विचारधारा को नहीं मानते हैं वो महापापी हैं, महाअयोग्य हैं। तो महात्मा गांधी के भावनाओं के अनुसार तो जो विशेषण वो पापी और महापापी और क्या क्या जो लगा रहे हैं वो तो उन पर लागू होता है नीतीश जी पर। तो मौलाना आजाद जो है चेन स्मोकर थे और मौलाना आजाद के लिए वो मिट्टी का राखदानी एस्ट्रे जो है बना करके रखते थे। गांधी जी का नाम क्यों ले रहे हैं भाई? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन हो चुका है और अब नियम भी बना दिए गए हैं कि पहली दफ़े अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर पकड़ा जाता है तो उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा जहां पर 2 से 5 हज़ार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा और फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। अब ऐसे में इस कानून के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं, जो कानून में संशोधन हुआ है उसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हैं, काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं, बहुत सारे कानून देखे आपने, बहुत सारे कानून आपके सामने बने संशोधित हुए, शराबबंदी कानून भी उनमें से एक है। नीतीश कुमार की सरकार ने अब संशोधन कर दिया, लगता है कि लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी? देखिए, शराबबंदी कानून का रूप तो मैंने एक रहा ही नहीं ना। जब से शराबबंदी कानून को लागू किया गया उसके बाद जो है पता नहीं ये तीसरा या चौथा संशोधन है कानून में, कहाँ ये तय हुआ था कि अगर किसी परिसर में हमारे मकान में अगर मान लीजिए कि शराब का बोतल मिल गया तो पूरा मकान जो है जब्त हो जाता था, किसी गाड़ी में शराब का बोतल मिल गया तो जब्त हो जाता था। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि मान लीजिए किसी परिवार का स्थानांतरण दिल्ली से कलकत्ता हुआ, वो सारा सामान जो है ट्रक से कलकत्ता जा रहा है, उस ट्रक में 2 बोतल शराब मिल गया, ट्रक समेत जो है जब्त हो गया। हमको याद है पटना हाई कोर्ट ने, मैं जब ये मामला गया था तो पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि मान लीजिए दिल्ली से कलकत्ता रेलगाड़ी जा रही है और रेलगाड़ी में अगर 2 बोतल शराब मिल गया तो क्या आप रेलगाड़ी को जब्त कर लीजिएगा? तो इस ढंग से मैंने इस कानून की शुरुआत हुई और आज जो है ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब, जिन लोगों ने शराब पिया है उनको मैंने जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो फाइन जो है 2000 से 5000 रुपया तक का फाइन अदा कर देते हैं तो छूट जाएंगे। अभी 2000 से 5000 का क्या मतलब है भाई? या तो 2000 कीजिए या 5000 कीजिए। अब उसमें जो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी है वो लिखेगा कि इनका 2000 नहीं 5000 क्यों वसूला जा रहा है, उसका कारण जो है लिखिएगा। ये सब कहाँ से होता है? तो अभी भी इस कानून में बहुत लोच है और इसका क्या नतीजा निकलता है ये देखने की बात है। एक सवाल ये भी है कि मान लीजिए अभी तक जितने लोग जेल गए हैं उसमें से शराब के आपूर्तिकर्ता, शराब के सप्लायर जो है वो कम है और शराब पीने वाले ही मैंने काफ़ी बड़े पैमाने पर जेल में गए हैं, और वो कौन लोग हैं, किस तबके के हैं ये भी सबको मालूम है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो बेल कराते। अब आपने जो कानून का संशोधन किया है उस संशोधन के मुताबिक आपका मानना है कि जो मैंने फाइन नहीं देगा उसको 1 महीने की सज़ा हो सकती है। तो अभी तक शराब पीने के आरोप में जितने लोग जेल में गए हैं और महीना दिन से ज़्यादा वो जेल में हैं उनके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? इसके बारे में कोई सरकार ने स्पष्टीकरण जो है नहीं दिया है। तो ये सब लोग कौन है जो 1 महीना से ज़्यादा जो है पड़े हुए हैं शराब पीने के जुल्म में? ये सब वही लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है, जरिया नहीं है जमानत कराने का, वकील को पैसा देने के लिए उनके पास नहीं है। ऐसा ऐसा भी बिहार में हो रहा है, जमानत का आदेश हो गया और जमानतदार नहीं मिला, जेल में पड़ा हुआ है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कर रहा है इस मामले की, अगली तारीख भी शायद अप्रैल महीने में ही तय हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ये जो संशोधन हुआ है, इस संशोधन के बाद क्या कह रहा है ये भी देखने की बात है। कुछ दिन पहले हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, नीतीश कुमार ने कहा था कि जो लोग गांधी जी की विचारधारा को नहीं मानते हैं वो महापापी हैं, महाअयोग्य हैं, काबिल तो हैं ही नहीं। तो लगता है कि अब इस महापाप से बचने के लिए 2 से 5 हज़ार रुपये लगेगा और बच जाएंगे? देखिए, महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के भावनाओं को नहीं मानने का जो सवाल है, जिसके बारे में इतना विशेषण जो है नीतीश कुमार जी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो सब उन्हीं पर लागू होता है ना। महात्मा गांधी का मामला सिर्फ शराब का ही नहीं ना है। और देखिए, महात्मा गांधी जो है वो मैंने वेजिटेरियन थे, निरामिष भोजन में उनको यकीन था, वही भोजन करते थे। लेकिन जो मांसाहारी था, मांसाहारी को शुद्ध मांस मिले, स्वस्थ मांस मिले, इसके बारे में उनको चिंता रहती थी।
हर तरह के नशा के विरोधी थे वो, लेकिन जब उनके यहाँ मीटिंग होती थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, तो मौलाना आज़ाद जो है चेन स्मोकर थे, और मौलाना आज़ाद के लिए वो मिट्टी का राखदानी एस्ट्रे जो है बना करके रखते थे। गांधी जी का नाम क्यों ले रहे हैं भाई? गांधी जी ने ये भी कहा है कि बिना विचार के राजनीति जो है सबसे बड़ा पाप है। और नीतीश कुमार जो संघ मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे थे, मिट्टी में मिल जाएंगे आपके यहाँ नहीं आएंगे, और बजाबते उन्होंने कारण बताया था बिहार के विधानसभा में कि क्यों अलग हो रहे हैं। उनका ये मानना था कि नहीं साहब, यहाँ जो हमारी सरकार काम कर रही थी बीजेपी के साथ मिल करके, उसमें किसी तरह की परेशानी और कठिनाई नहीं थी। उनको कठिनाई थी नरेंद्र मोदी के चलते, और इसकी वजह से वो अलग हटे थे। तो ये आपके अंदर जो विचारहीनता है, आपने जो स्टैंड लिया नरेंद्र मोदी को लेकर के, वो स्टैंड किस लिए लिया था? आपको उनके कम्युनलिज्म पर एतराज़ था, आपको एतराज़ था कि जिस ढंग से उन्होंने गुजरात में अपनी मुख्यमंत्री चलाई, अपनी सरकार चलाई, उस सरकार चलाने के दरमियान जो हुआ उसके वजह से देश में अल्पसंख्यक उनसे डरता है, इसलिए आप उनके साथ दिखाई नहीं देना चाहते थे, आप फिर उन्हीं के यहाँ चले गए। तो महात्मा गांधी के भावनाओं के अनुसार तो जो विशेषण वो पापी और महापापी और क्या क्या जो लगा रहे हैं, वो तो उन पर लागू होता है, नीतीश जी पर। तो नीतीश जी को जहाँ ज़रूरत समझ में आती है वहाँ जो है वो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, और जहाँ ज़रूरत नहीं समझ में आती है वहाँ महात्मा गांधी के विचारों की, महात्मा गांधी के सिद्धांतों की, महात्मा गांधी के भावनाओं की हत्या करते हैं। ये उनका चरित्र है। देखिए, गांधी की विचारधारा नीतीश कुमार मानते तो हैं, लेकिन सिर्फ अपने पर ही क्यों नहीं लागू करते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा किया है शिवानंद तिवारी ने। देखना यह है कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल के आती हैं, क्योंकि देखिए शराबबंदी कानून में जब से संशोधन हुआ है तो चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। ऐसे में आरजेडी की ओर से क्या प्रतिक्रिया है वो हमने आपको सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।